relation between the normal 2a plane and lattice constant a b and c. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में पढ़ा था. रेसिप्रोकल लैटिस और रियल लैटिस में क्या रिलेशन है वो आज हम देखेंगे. और जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसको निकालने का या उसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि जो डायरेक्ट लैटिस है उसमें किसी एक लैटिस पॉइंट को ओरिजिन मान करके उसके बाद उसको नेक्स्ट जो प्लेन्स है उन प्लेन्स पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उस नॉर्मल की जो लेंथ है, नॉर्मल वेक्टर की जो लेंथ है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर हम डिफाइन करेंगे. और इस तरीके से जो टर्मिनल पॉइंट्स मिलेंगे तो जो कलेक्शन ऑफ सच टर्मिनल पॉइंट्स फ्रॉम ए लैटिस एरी एंड ये जो है उसको रेसिप्रोकल लैटिस कहेंगे. द डायरेक्शन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, जो रेसिप्रोकल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट्स मिलेंगे उसकी जो सेंटर से या जो ओरिजिन से जो डायरेक्शन है वो तो जो प्लेन है उसकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेगी. और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट्स द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ दैट सेट ऑफ प्लेन्स. तो इस प्रकार डायरेक्ट लैटिस रियल स्पेस में एग्जिस्ट करती है और रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो रेसिप्रोकल स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं. तो आज हम जो है रिलेशन निकालेंगे नॉर्मल टू ए प्लेन एंड लैटिस कॉन्स्टेंट ए बी एंड सी. रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो डिफाइन किया था वो है सिग्मा एच के एल और एक वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1/dHkl के बराबर है. और जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन है वो पैरेलल है किसके, नॉर्मल टू द एच के एल प्लेन के. यानी जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल है और उसका मैग्नीट्यूड 1/dHkl के बराबर है. अब देखते हैं यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस. द पैरेलल पाइप्ड स्पेंड बाय द थ्री नॉन कोप्लेनर रेसिप्रोकल वेक्टर्स सिग्मा 100, सिग्मा 010 एंड सिग्मा 001 इज़ द यूनिट सेल इन द रेसिप्रोकल लैटिस. अब हम जो ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर डिफाइन किया है उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है क्रिस्टल लैटिस में जो कि फिगर में दी गई उसको डिफाइन करते हैं. तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसके बेसिस वेक्टर बी, ये सी, ये वाला ए, ये मोनोक्लिनिकली है जिसमें ये नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी. ये जो प्लेन है जो डायग्राम में दिखाया गया है इसका जो एरिया है वो बी क्रॉस सी हो जाएगा. और इस प्लेन की इस सामने वाले प्लेन से इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग है वन वो है डी 100. नाउ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल वी इज इक्वल टू बेस एरिया एंड टू हाइट डी 100. सो 1/d100 इज इक्वल टू बेस एरिया अपॉन वी. Since area is represented by vector product of its sides, so base area is equal to b cross c. और vector के form में लिखेंगे तो 1/d100 direction unit vector से दी जाएगी is equal to b cross c upon v. Now हम जो definition है sigma hkl वो है 1/dHkl n cap. So that ये जो 1/d100 n cap है इसको लिखेंगे sigma 100 1/d100 n cap. This is equal to b cross c upon v. Similarly sigma 100 is equal to 1/d100 n cap is equal to b cross c upon a dot b cross c. And sigma 010 is equal to c cross a upon a dot b cross c. Sigma 001 is equal to a cross b a dot b cross c. These three vectors are chosen as the reciprocal translation vectors as ये जो है इसको A star, इसको कहेंगे B star और इसको कहेंगे C star. और A star, B star, C star इन equations से दिए जाते हैं. यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि A star जो है वो perpendicular है B और C से बनने वाले plane के perpendicular है. It means B और C के भी perpendicular है जिससे A star B is equal to 0 और A star C is equal to 0. Similarly, B star is perpendicular to C and A, B star dot C is equal to 0 and B star, A is equal to 0. इसी तरीके से C star is perpendicular to A and B, so C star dot A is equal to 0 and C star dot B is equal to 0. और C star का A के साथ, C star का C के साथ, B star का B के साथ और ए स्टार का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट है वो 1 है. तो जो
अगर एक लैटिस का निर्माण किया जाए इन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स ए स्टार बी स्टार और सी स्टार का प्रयोग करके, तो यह प्राप्त होता है कि जो क्रमागत बिंदु आते हैं ए स्टार की डायरेक्शन में वो प्रदर्शित करते हैं ए एच के गुणज के रूप में, जैसे कि जो 100 है, और इसी तरीके से जो बी स्टार की डायरेक्शन में जो लैटिस पॉइंट होंगे वो सब मल्टीपल होंगे के इन द स्पेसिंग ऑफ 010, और इसी तरीके से जो सी स्टार डायरेक्शन है वो सक्सेसिव सब मल्टीपल होंगे एल के और ऑफ द स्पेसिंग ऑफ 001, दैट इज ए स्टार इज इक्वल टू सिग्मा 100 1/D 100N, और अगर हम 2A स्टार लेंगे तो वो 1/D 1002 यानी सिग्मा 200 इज इक्वल टू 1/D 200N के। इसलिए हम जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, सिग्मा एच के एल इज इक्वल टू एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। तो ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि जो वेक्टर सिग्मा एच के एल है वो नॉर्मल टू द क्रिस्टल प्लेन एच के एल। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम को देखते हैं जिसके जो बेसिस वेक्टर है वो बी ए और सी, इसके ऊपर एक प्लेन है जिसको हमने पी क्यू आर से शो किया है, और इसके मिलर इंडिसेस एच के एल है। ये जो मिलर इंडिसेस एच के एल है इट मीन्स इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1/H 1/K 1/L होगा, उसको अगर ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो A/H B/K C/L होगा, और उसके इंटरसेप्ट जो होंगे एक्सेस पे वो A/H वाई एक्सेस पे B/K और जेड एक्सेस पे C/L होंगे। यहाँ पे हमने ये जो प्लेन है वो एक्सेस पे A/H B/K और C/L अक्षों पे काटता है। अब इस प्लेन जो है उसमें जिन वेक्टर से बना हुआ है, तो सबसे पहले वेक्टर लेते हैं QP इज इक्वल टू A/H - B/K, Q से P की तरफ, इसे लेते हैं P से R, तो C/L - A/H, और अब हम लेते हैं R से Q, तो B/K - C/L। चूंकि हमने जो प्लेन लिया है और उस प्लेन के लिए जो वेक्टर है वो PQ PR और RQ हमने डिफाइन कर दिए हैं, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर या जो प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर लेते हैं वो एन कैप है, और अगर हम इस नॉर्मल वेक्टर जो है हमारा सिग्मा एच के एल है उसके साथ इसका अदिश गुणनफल करें तो ये जो तीनों वेक्टर हैं आर द वेक्टर्स लाइंग इन द प्लेन एच के एल। नाउ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A/H - B/K विद सिग्मा एच के एल, और इसका इसके साथ अदिश गुणनफल करते हैं तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद में इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होती है। इसी तरीके से दूसरे वेक्टर की सिग्मा एच के एल के साथ में अदिश गुणनफल 0 प्राप्त होता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इट इज़ क्लियर दैट सिग्मा एच के एल इज़ नॉर्मल टू द वेक्टर्स, यानी जो हमारा सिग्मा एच के एल वेक्टर है या यूँ कह सकते हैं जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो इन दोनों जो वेक्टर हैं उन वेक्टर के लंबवत है, और अगर इन दोनों वेक्टर से लंबवत है तो इन दोनों वेक्टर से बनने वाले तल के भी लंबवत होगा। सो इट इज़ आल्सो नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग दीज वेक्टर्स दैट इज़ टू द प्लेन एच के एल। तो अभी हमने प्रूव किया कि जो हमारा जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो किस तल के प्लेन के लंबवत होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे कि इसकी लेंथ जो होती है इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का जो सिग्मा एच के एल है उसकी लेंथ 1/D एच के एल के बराबर होती है। सिंस ये जो एन कैप है वो नॉर्मल है एच के एल प्लेन के, और अगर इस प्लेन के नॉर्मल है इट मीन्स पैरेलल होगा सिग्मा एच के एल के, तो इस सिग्मा एच के एल का मैग्नीट्यूड और एन कैप जो होगा वो एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार, ये डेफिनेशन से। सो एन कैप इज गिवन एज एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार अपॉन सिग्मा एच के एल। नाउ सिंस डी एच के एल इज इक्वल टू A/H cos alpha B/K cos beta और C/L cos gamma, ये हमने जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था वहाँ पे हमने प्रूव किया है, और इस वाले फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं A.N/H। A/H n हमने अभी जो पीछे लिया था वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हल करने पर ये आएगा 1/σHKL। सो सिग्मा एच के एल इज इक्वल टू 1/D एच के एल।
तो अभी हमने प्रूव किया जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो उसका मैग्नीट्यूड है वो 1/DHL यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर है और उसकी डायरेक्शन है वो प्लेन के नॉर्मल में है. थस द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एक्सप्लेन्ड बाय द इक्वेशंस एग्रीज विद दैट ट्रेस आउट बाय द ज्योमेट्रिकल मेथड इलस्ट्रेटेड विद फिगर. नाउ अब जो हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उनकी सहायता से रेसिप्रोकल यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे तो इसको ए स्टार डॉट बी क्रॉस सी स्टार और यहाँ पे अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हल करने पर वो आता है 1/A.B×C का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ द डायरेक्ट लैटिस. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज हम इसको निकालते हैं तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है उसके लिए रियल स्पेस में या रियल लैटिस में जो लैटिस कांस्टेंट है ए बी सी ए इज इक्वल टू ए आई के बी इज इक्वल टू ए जे के एंड सी इज इक्वल टू ए के के और इसका वॉल्यूम निकालते हैं यूनिट सेल का तो बी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी से हल करने पर आता है ए क्यूब. अब हम निकालते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ए स्टार इज इक्वल टू बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी तो बी क्रॉस सी जो हमारे ये वेक्टर्स हैं इनकी वैल्यू रखने पर आएगा ए स्क्वायर जे क्रॉस के अपॉन ए क्यूब और ये आता है 1/A i कैप. इसी तरह से बी स्टार आएगा 1/A j कैप और सी स्टार आएगा 1/A k कैप. यानी ये जो हमारे रियल लैटिस में जो लैटिस कांस्टेंट है ए बी सी तो रेसिप्रोकल लैटिस में जो लैटिस वेक्टर्स हैं वो ए स्टार बी स्टार सी स्टार है और वो उनके जो डायरेक्शन है वो आई जे के की डायरेक्शन में. सो रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो ए रेसिप्रोकल स्ट्रक्चर एंड उज लैटिस कांस्टेंट इज 1/A. नाउ रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बी सी सी स्ट्रक्चर फॉर बी सी सी स्ट्रक्चर फॉर डायरेक्ट लैटिस ए बी सी इस तरीके से हमने पिछली टर्न पे इनको डिफाइन कर रखा है. अब हम इनकी सहायता से इसका वॉल्यूम ज्ञात करते हैं तो बी जो है हल करने पर आता है ए क्यूब बाई टू और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ए स्टार इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई फोर माइनस आई प्लस जे प्लस के क्रॉस आई माइनस जे प्लस के अपॉन ए क्यूब बाई टू और हल करने पर जो ए स्टार आता है वो है 1/A i+j. इसी तरह से बी स्टार 1/A j+k सी स्टार इज इक्वल टू 1/A i+k. सो सिंस आई प्लस जे जे प्लस के एंड आई प्लस के आर द फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ बी सी सी यानी ये जो ए स्टार बी स्टार सी स्टार हमें प्राप्त हुए हैं ये मूलभूत सदिश है एफ सी सी लैटिस में. सो रेसिप्रोकल ऑफ बी सी सी लैटिस इज एफ सी सी लैटिस हुज लैटिस कॉन्स्टेंट इज 1/A. इसी प्रकार अगर हम कैलकुलेशन करके और जो एफ सी सी लैटिस है उसके डायरेक्ट लैटिस में जो लैटिस कांस्टेंट का उपयोग करके रेसिप्रोकल लैटिस में लैटिस कांस्टेंट ज्ञात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बेसिस फैक्टर है वो बी सी सी के वो या यूँ कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ एफ सी सी इन इज बी सी सी लैटिस विद लैटिस कांस्टेंट 1/A यानी जो रियल लैटिस में बी सी सी है वो रेसिप्रोकल लैटिस में एफ सी सी बन जाएगा और जो रियल लैटिस में एफ सी सी है वो रेसिप्रोकल लैटिस में बी सी सी बन जाएगा और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ही रहेगा बस उसके लैटिस कांस्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 1/A के बराबर होता है.